नमस्कार मीनू शर्मा, आपका स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरी वीडियो देखिए। आज हम बनाना सीखेंगे आंवले का मुरब्बा, जो कि आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है और बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। विटामिन सी रहता है आंवले में, आंवले का मुरब्बा खाना चाहिए। आधा किलो साबुत आंवले, थोड़े से पीले पके हुए, आधा किलो शक्कर, दो तीन इलायची पीसी हुई, आधा चम्मच व्हाइट नमक, पानी। सबसे पहले पानी से आंवले धोएंगे और साफ कपड़े से पोंछेंगे। उसके बाद छेद करेंगे आंवले में, पांच छह छेद करेंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं। छेद करते समय आप ध्यान रखें कि आपको लगे नहीं चाकू की। ऐसे चाकू को घुमा के करेंगे, गुठली से टच होना चाहिए चाकू। सारे आंवले हमने कर लिए, इस तरह से करिए। बर्तन में पानी डालेंगे, एक लोटा पानी डाला हमने, आंवले उबालेंगे। नरम होने तक उबालेंगे, नमक डालेंगे, नमक के पानी में उबालेंगे। ये अच्छे से उबल गए हैं आंवला। आंवले निकाल कर थोड़ा पानी फेंक देंगे। ये आंवले निकाल के हमने थोड़ा पानी फेंक दिया है। नमक के पानी में उबालने से आपका मुरब्बा जल्दी गलेगा और आप जल्दी खा सकते हैं। थोड़ा मोटा बर्तन लेंगे चाशनी के लिए, आधा कप से कम पानी डालेंगे। पानी में शक्कर डालेंगे, इलायची डालेंगे, कम आंच पर उबालेंगे, गाढ़ी होने तक उबालेंगे चाशनी और चालते रहेंगे। ध्यान रहे कि आप आपके हिसाब से भी आज कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि चाशनी चिपके नहीं। ये चाशनी गाढ़ी हो गई है, अब इसमें आंवले डाल देंगे, निकालेंगे। चाशनी ठंडी होने के बाद कांच की बोतल में भरेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि कांच की बोतल पानी से धोकर धूप में सुखाकर, अगर धूप नहीं हो आपके यहाँ तो आप गैस पे भी सुखा सकते हैं बाटल को। और आपको बाटल सुखाते हुए देखना है तो हमारी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, कांच की बाटल उसमें सुखाना बताया है। ये मुरब्बा तैयार हो गया है। आंवले में चाशनी अच्छे से भरा जाने के बाद आप खा सकते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगली बार फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।